बजरंग सर, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। कुछ दिनों से व्यस्त चल रहा था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर चौथा चैप्टर जरूर करवाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, वो चैप्टर आप जरूर करवाएं। तो उसी की ख्वाहिश को लेकर के आज चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। चौथे चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। क्या है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह? है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं और रक्त समूह के बारे में, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी और रक्त समूह के बारे में इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले। तो थोड़ी सी बातें मैं पहले आप बता देता हूं, प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में कि प्रतिरक्षा, कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कौन सी क्षमता कहलाती है? रोगाणुओं से लड़ने वाली जो क्षमता है वो क्षमता कौन सी क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। ध्यान से देखिएगा कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, तो क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। अब बात कर लेता हूं प्रतिरक्षी विज्ञान के बारे में। रोगाणुओं के उन्मूलन अर्थात तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, रोगाणुओं के अनुमूलन के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र, तंत्र कौन सा आएगा? प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा तंत्र आएगा? प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, रोगाणुओं के अनुमूलन, और इस अनुमूलन का अर्थ है लड़ना। क्या है? लड़ना किससे? रोगाणुओं से। किससे लड़ना है? रोगाणुओं से लड़ना है। रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है और उसमें होने वाली क्रियाएं और संबंधित तंत्र कौन सा आएगा? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र और रोगाणुओं से लड़ने से संबंधित शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता ही क्या कहलाती है? रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। और प्रतिरक्षा विज्ञान रोगाणुओं के उन्मूलन के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा विज्ञान। अब प्रतिरक्षा विज्ञान के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक तो जन्मजात, एक और होता है। एक जन्मजात, दो दूसरा बारे में पढ़ेंगे, पहले जन्मजात के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वाभाविक भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? स्वाभाविक। जन्मजात और क्या होता है? स्वाभाविक। जन्मजात का अर्थ क्या होता है? कि वे प्रत्यक्ष जो जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं? जन्म से ही। और एक होता है उपार्जित। क्या होता है? उपार्जित। दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो स्वाभाविक जन्मजात और एक होता है उपार्जित। क्या होता है? उपार्जित। और उपार्जित का अर्थ क्या होता है? जन्म के बाद। जन्म के बाद अर्थात जन्म के बाद जो प्राप्त प्रतिरक्षी है वो क्या कहलाएगा? उपार्जित प्रतिरक्षी। और स्वाभाविक या जन्मजात अर्थात जन्म के समय, जन्म के समय होने वाली प्रतिरक्षा के रूप में जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? जन्मजात प्रतिरक्षा। दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में जिसे क्या कहते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा। और इसे दूसरा नाम सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। किस प्रकार से? ध्यान से देखिएगा कि यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही क्या होती है? प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि यह प्रतिरक्षा जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय से क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अर्थात यह माता पिता से क्या आती है? बच्चों में आती है। माता पिता से कहां आती है? बच्चों में आती है। तो उसे क्या कहते हैं? उपार्जित। उसे क्या कहते हैं? जन्मजात। किसे कहते हैं? जन्मजात। कि वह प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ ही प्राप्त होती है अर्थात तो माता पिता से कहां आती है? बच्चे में आती है। तो उसे क्या कहेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका कारण भी है कि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु की प्रतिरक्षा को प्राप्त
नहीं करता है। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु की प्रतिरक्षा को प्राप्त नहीं करता, अर्थात किसी दूसरे रोग से लड़ने की क्षमता को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध क्या करता है, समान व्यवहार करता है। अर्थात शरीर के अंदर बाहर से आने वाले जो भी रोग है उनकी क्या करता है, समान रूप से क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है, रोगाणुओं से क्या करता है, लड़ता है। उसे क्या कहेंगे, सामान्य प्रतिरक्षा। उसे क्या कहेंगे, सामान्य प्रतिरक्षा। दोबारा से देख लीजिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, अर्थात यह माता पिता से बच्चों में आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते देखो, यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु की प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं करता है, यह सिर्फ उन्हीं रोगों से लड़ने की प्राप्त करता है जो बाहर से आते हैं। जो कहां से प्राप्त होते हैं, बाहर से प्राप्त होते हैं, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात बाहर से आने वाले जो भी रोग है उनको क्या करता है, समान रूप से कार्य करेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब इसके भी तीन चार प्रकार हैं, उन चारों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा के निम्न प्रकार है। और सबसे पहला प्रकार बात कर लेता हूं भौतिक अवरोधक की। कौन से अवरोधक की, भौतिक अवरोधक। ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति क्या होती है, त्वचा। क्योंकि शरीर का जो बाहरी आवरण है, शरीर का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, त्वचा का बना होता है। किसका बना होता है, त्वचा का। तो पहली जो पंक्ति होगी वो कैसी होगी, त्वचा की। कैसी होगी, त्वचा की। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति क्या होती है, त्वचा होती है। जबकि इसका बाह्य स्तर रुधिर रोधी होता है, क्या होता है, रुधिर रोधी। क्या शरीर के त्वचा के बाहर रुधिर होता है, क्या त्वचा के बाहर रुधिर कहां होगा, त्वचा के अंदर। तो ये क्या होता है, बाह्य स्तर पर क्या होता है, रुधिर रोधी होता है। अर्थात इसमें क्या नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया, त्वचा के बाहर रक्त नहीं पाया जाता, जिसे भेद कर रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते है। कि त्वचा जो होती है, त्वचा के अंदर से शरीर क्या है, शरीर के अंदर से रोग क्या होगा, नहीं प्रवेश कर पाएगा। मुख मार्ग अर्थात हमारे मुंह का मार्ग और श्वसन मार्ग, नाक के द्वारा शोषण लेते हैं, मुंह के द्वारा भी क्या लेते हैं, शोषण लेते हैं। इन मार्गों के द्वारा वो क्या करती है, श्लेष्म ग्रंथियां, क्या कहती है, श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती है जो श्लेष्मा छोड़ती है। और श्लेष्मा पता है चिपचिपा पदार्थ होता है, क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। जैसे अपन भोजन करते हैं तो श्लेष्म जो ग्रंथियां हैं वो भोजन को क्या बना देती है, लशलशा बना देती है। और शोषण के जमे हमारे नाकों में नासा छिद्र जो होते हैं, और उन्हें नासा छिद्रों में क्या होते हैं, एक तेलीय द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। श्लेष्मा छोड़ती है, क्या छोड़ती है, श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करती है, रोगाणुओं को क्या करती है, चिपका करके रखती है। रोगाणुओं को क्या करती है, चिपका करके रखती है, और अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। इसी प्रकार नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों के पक्षमाप व कशाब भी क्या है, रोगाणुओं को रोकते हैं, क्या करते हैं, रोगाणुओं को रोकते हैं। फिर तीसरा बात कर लेता हूं रासायनिक अवरोधक, क्या बात कर लेता हूं, रासायनिक अवरोधक। साधारण सी बात, आपको पता है कि हमारे आमाशय के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को क्या करता है, पचाता है। अगर इसका निर्माण नहीं हो तो भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात कि हमारे आमाशय में स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रहे, क्यूसर पूछ सकता है हमारे आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जो सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लार्व आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, आंसू जो होते हैं, आंसू के जो, जब अपन कभी बार रोते हैं तो रोते समय हमारे आंसू जब नीचे गिरते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो रोगाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसी प्रकार
त्वचा की तेल ग्रंथियों से शीबम निकलता है। क्या निकलता है? तेल या ग्रंथियों से क्या निकलता है? तेल या ग्रंथि कौन सी होती है? कई बार देखते होंगे कि जब अपन गर्मी में बैठे रहते हैं तो उस समय हमारी त्वचा क्या हो जाती है? तेलीय हो जाती है। तो उस समय उसमें क्या निकलता है? छोटे छोटे छिद्रों में से क्या निकलता है? तेलीय पदार्थ शीबम निकलता है। क्या निकलता है? शीबम निकलता है। और जो रोगाणुओं के लिए किसका कार्य करता है? अवरोधक का कार्य करता है, जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से क्या करता है? रोकता है। तीसरी पॉइंट बात कर लेता हूं, कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक यह जन्मजात प्रतिरक्षा की कौन सी विधि है? सबसे महत्वपूर्ण विधि है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? कोशिका अवरोधक। कौन सी विधि है? कोशिका अवरोधक। ध्यान रहे, इसमें शरीर के कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है। क्या कर लेती है? उन्हें नष्ट कर देती है। जैसे कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये कोशिका अवरोधक है। ये दोनों के दोनों नाम कौन से हैं? कोशिका अवरोधक। क्वेश्चन पूछ सकता है कोशिका अवरोधक कौन है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। क्या नाम याद रखना है? मोनोसाइल और न्यूट्रोफिल। अब लास्ट में बात कर लेता हूं जबर और सूजन दर्द। ध्यान रहे कि जबर सूजन दर्द आदि शरीर में प्रतिरक्षा को क्या करते हैं? उत्तेजित कर शरीर के रोगाणुओं से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। शरीर से रोगाणुओं को नष्ट करने की क्या करते हैं? क्षमता करते हैं। दोबारा से देख लीजिए, यहां से भौतिक अवरोधक शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति त्वचा। हमारे इसका शरीर बाह्य रुधिर रोधी होता है, जिसे भेदकर रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। मुख मार्ग व श्वसन मार्ग श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती है, जो श्लेष्मा को जोड़ती है, और यह श्लेष्मा रोगाणुओं को चिपका कर रखती है और अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। इसी प्रकार नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पक्षमाप व कशाप, वो भी क्या करते हैं? रोगाणुओं से लड़ने की क्या करते हैं? क्षमता रखते हैं। रासायनिक अवरोधक, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। लार्व आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार त्वचा की तेलीय ग्रंथियों में शीबम निकलता है और वो रोगाणुओं के लिए किसका कार्य करता है? अवरोधक का कार्य करता है। कोशिका अवरोधक में जन्मजात प्रतिरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। शरीर के कुछ विशिष्ट कोशिकाएं शरीर से बाहर शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को भक्षण कर उन्हें क्या कर देती है? नष्ट कर जाती है, जैसे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। लास्ट बात कर लेता हूं जबर सूजन दर्द की। जबर सूजन दर्द आदि शरीर में किसका कार्य करती है? प्रतिरक्षा के। प्रतिरक्षा को क्या करती है? उत्तेजित करती है। उत्तेजित कर शरीर के रोगाणुओं की क्या करती है? रक्षा करती है। अगली वीडियो कल ही उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन अपने को पढ़ना है। ध्यान रहे कोई क्वेश्चन कहीं से छूट ना जाए, ठीक है। तो आप लगातार मेरे साथ बन के रहिए, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगी। कल ही आपको नई वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।